नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और शुरुआत इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। तो यूक्रेन में तबाही मचाने के साथ साथ पुतिन ने अब अपना दूसरा टारगेट भी सेट कर लिया है। पुतिन के बेहद करीबी रहे शख्स ने दावा किया है कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर शिकस्त खाने के बाद पुतिन अब ब्रिटेन को निशाने पर लेने के लिए तैयार है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन आने वाले वक्त में ब्रिटेन के साथ एक बहुत बड़े शहर पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकते हैं। पुतिन के निशाने पर वो कौन सा शहर है और किस मिसाइल से पुतिन तबाही मचा सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट सेट है। जेलेंस्की के बाद पुतिन का दुश्मन नंबर दो सामने है। और महातबाही के लिए पुतिन ने दूसरी जगह भी तलाश ली है। महायुद्ध में पुतिन के अड्डों पर जिन बमों ने सबसे ज्यादा बारूद बरसाया, हर शय को तिनकों में जिसके बारूद ने बदल दिया, यूक्रेन के गोदामों को हथियारों की जिसने सप्लाई की, वो ब्रिटेन है और वही पुतिन का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है पुतिन के बेहद करीबी रहे बिल ब्रोडर का, जिनके मुताबिक यूक्रेन के बाद पुतिन की मिसाइल का मुंह लंदन की तरफ होगा। यूक्रेन में पुतिन ने जितनी तबाही मचाई है उससे कहीं ज्यादा वो लंदन में तबाही मचाने की सोच रहे हैं। बिल ब्रोडर अमेरिकी ब्रिटिश फाइनेंसर हैं जो पुतिन के बेहद करीबी रहे हैं और कई मर्तबा पुतिन को आर्थिक मदद करने का दावा भी करते हैं। बिल के मुताबिक इस तबाही की दो ही राह हैं, एक की रूस की विजय और दूसरा पुतिन की हार। अगर रूस इस युद्ध में अपना झंडा गाड़ देता है तो पुतिन के हाथ और सोच दोनों मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में पुतिन अपने सैन्य कारनामों को और बढ़ावा देंगे और नतीजा ये होगा कि पुतिन एस्टोनिया, लिथुआनिया या पोलैंड की तरफ रुख करेंगे और अपनी मिसाइलों को नया मैदान देंगे। नहीं, पुतिन की बंदूकों और न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट भी दूसरा हो जाएगा। अब मिसाइलों का नया टेस्टिंग सेंटर लंदन, बर्लिन और वाशिंगटन होगा। पुतिन की हर मिसाइल इन तीनों टारगेट तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है और धुआं धुआं कर सकती है। पुतिन के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितनी ऐसी मिसाइलें हैं जो लंदन तक पलक झपकते ही पहुंच जाएंगी, बारूदी बवंडर उठा देंगी और बारूद से इलाके को लबरेज कर देंगी। अगर पुतिन का टारगेट लंदन है तो लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ खाक कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया जाता है कि यह सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो नरसंहार मचेगा। वो इसलिए क्योंकि पुतिन के पास मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है। ये पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 जिसे पुतिन का शैतान भी कहा जाता है, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर है। वहीं RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी एक से बढ़कर एक घातक और तबाही मचाने वाली मिसाइल। बिल के मुताबिक जब पुतिन पहली बार चुने गए थे तो रूस को पश्चिमी देशों का समर्थन था, संयुक्त राज्य की तुलना में उच्च साक्षरता थी, शिक्षित आबादी थी, तरक्की की राह पर रूस आगे बढ़ रहा था। अगर सब ऐसा ही रहता है तो अब उसके पास जर्मनी या जापान के बराबर एक आधुनिक और बड़ी अर्थव्यवस्था होती, लेकिन महायुद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। ऐसे में पुतिन की झुंझलाहट अब साफ दिख रही है। पुतिन हार चाहते नहीं, अगर हार दिखती है तो भी तबाही, विजय होती है तो साथी देशों पर तबाही। मतलब ये कि पुतिन का तबाही मचाना तय है।